हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। प्यारे बच्चों, ईवीएस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 द नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, द गंगाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। प्यारे बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि गंगा ओरिजिनेटेड का मतलब निकलती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द यमुना ज्वाइन एट द गंगा एट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि जो यमुना रिवर है वह गंगा के अंदर इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान है वहाँ पर इस नदी में मिल जाती है। दिस जंक्शन इज नोन एज द संगम। प्यारे बच्चों, इस जंक्शन को जहाँ पर यह गंगा नदी में यमुना नदी मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? संगम कहते हैं। लॉन्ग एगो रिवर सरस्वती आल्सो ज्वाइन द गंगा एट संगम। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय पहले सरस्वती भी यहाँ पर आकर के नदी इसके अंदर गंगा के अंदर मिलती थी, बट किंतु नाउ सरस्वती डू नॉट एग्जिस्ट, किंतु आज के समय में सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व नहीं है। द गंगा टेक्स ए शार्प टर्न इन द राजमहल हिल्स इन बिहार। प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि जब गंगा नदी बिहार के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक पहाड़ी है, राजमहल हिल्स, राजमहल पहाड़ियाँ, वहाँ पर गंगा एक शार्प टर्न लेती है। एंड एंटर्स वेस्ट बंगाल, और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। हेयर इट डिवाइड्स इटसेल्फ इंटू टू स्ट्रीम, यहाँ पर यह गंगा नदी अपने को दो भागों में बांटती है। फर्स्ट कॉल इज पद्मा, पहले भाग को हम कहते हैं पद्मा, पासिस गुजरती है थ्रू बांग्लादेश, पहले भाग को हम पद्मा कहते हैं जो बांग्लादेश से गुजरती है। द सेकेंड स्ट्रीम इज नोन एज हुगली, और दूसरी भाग को हुगली कहते हैं। इट फॉलोज थ्रू कोलकाता एंड फेल्स इन टू द बे ऑफ बंगाल। जो ये बच्चों हुगली भाग है गंगा का, यह कोलकाता में से बहता है और कलकत्ता में से बहता हुआ बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। तो प्यारे बच्चों, यह देखो, मैंने आपको बताया था कि यह अरब सागर है और यह क्या है, वे ऑफ बंगाल। प्यारे बच्चों, कलकत्ता में से यह अपनी स्टेट है बच्चों कलकत्ता, यहाँ पर से हुगली नदी नीचे होते हुए इस वे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मीट इनटू द वे ऑफ बंगाल। आगे कहा है बच्चों, रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मीट इनटू द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की नदियों में मिल जाती है। एंड फ्रॉम ए डेल्टा कॉल्ड, ये कहा गया है कि बच्चों जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर मिलती हैं, और फ्रॉम ए डेल्टा, और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे कहते हैं बच्चों सुंदरवन डेल्टा। मैनी इंपॉर्टेंट एंड होली सिटीज आर लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द प्लेन। प्यारे बच्चों, अब ये कहा गया है कि जो गंगा रिवर है उसके किनारे पर काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता, वाराणसी, पटना और कानपुर। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र मैदान। दिस बेसिन लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। कहा गया है बच्चों कि यह जो बेसिन है, यह जो मैदान भाग है, यह ईस्टर्न पार्ट के अंदर, पूर्वी भाग के अंदर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन के पूर्वी भाग के अंदर यह मैदान है। द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत। प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। एंड एंटर इनटू इंडिया थ्रू आंध्र प्रदेश, और प्यारे बच्चों यह नदी भारत के आंध्र प्रदेश से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों, यह है तिब्बत का भाग, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, और यह नदी यहाँ से चलते हुए यह स्टेट है अपनी अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से भारत के अंदर एंटर करती है। प्यारे बच्चों, जब भारत के अंदर यह एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो उस स्थान को कहते हैं बच्चों सियोंग। देन इट्स फॉलो थ्रू असम, और यह
असम में, अरुणाचल प्रदेश में से होती हुई असम के अंदर आती है, जहाँ पर इसका नाम दिया, इस नदी को कहते हैं दिहांग। दिस बेसिन इज रिच ऑफ मिनरल। प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि यह नदी अब पानी के साथ जो मिट्टी अपने साथ लाती है और बेसिन का निर्माण करती है, उस बेसिन के अंदर क्या है बच्चों, काफ़ी मिनरल्स हैं। दिस बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल, और यह बेसिन क्या है बच्चों, बहुत उपजाऊ है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दिस इज़ कॉल्ड ए फूड बोल्स ऑफ इंडिया, यही कारण है बच्चों कि इसे भारत का अनाज का कटोरा कहते हैं। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल। प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, वहाँ पर बहुत भारी बरसात होती है। द मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन आर राइस। प्यारे बच्चों, इस मैदानी भाग की मुख्य फसलें कौन सी हैं, राइस हैं, चावल हैं, जूट हैं और टी है, चाय हैं। द मेन टाउन ऑफ ब्रह्मपुत्रा बेसिन आर गुवाहाटी। प्यारे बच्चों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके जो मुख्य मुख्य भाग हैं कौन कौन से हैं बच्चों, गुवाहाटी, शिलोंग एंड दिसपुर। दिस बेसिन प्रोवाइड्स ए यूनिक हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल। प्यारे बच्चों, यह जो बेसिन है, यहाँ पर अनोखे आवासीय पशुओं का स्थान भी, यह आवासीय पशुओं को स्थान भी प्रोवाइड करती है, उनको स्थान भी देती है। कौन सा बच्चों, ब्रह्मपुत्र बेसिन। प्यारे बच्चों, यह था पार्ट नंबर तीन द नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट नंबर 3। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।